हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेके सिस बी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में नवंबर मंथ के टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज के साथ। और ये एमसीक्यूज आपके होने वाले एग्जाम्स के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज हु वॉन द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। वेल, आप सभी लोग जानते हैं रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स में वहां पे इलेक्शंस हुई और वहां के जो 47th प्रेसिडेंट अभी जो बने हैं उनका नाम क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे पता, मैक्सिमम लोग जानते हैं, बट जिनको नहीं पता उनको बता दें तो इसका जो आंसर है दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47th प्रेसिडेंट अभी बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले कॉन्स्टेबल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द ओशन समिट। ओशन समिट जो है वो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली होस्ट करा, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। क्या आंसर है इसका? इंडिया। ऑलराइट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट जो है वो कौन सी कंट्री इलेक्ट हुई है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है दैट इज ऑल्सो इंडिया। क्या आंसर है इसका? इंडिया। इंडिया को इलेक्ट करा गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए एनटीपीसी और ONGC ने पार्टनरशिप करके एक नया वेंचर, ठीक है, एक नया जॉइंट वेंचर जो है, वेंचर कंपनी जो है वो फॉर्म करी है, और वो किस पर्पस के लिए करी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। ठीक है, अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन, एनटीपीसी एंड ONGC पार्टनर टू फॉर्म जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर व्हाट पर्पस, किस पर्पस के लिए इन्होंने करी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स के लिए। ठीक है, मतलब रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स के लिए ही इन दोनों ने पार्टनरशिप जो है वो करी है। दिस इज द पर्पस एक्चुअली। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच कैटेगरी डिड द कनाडा शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है सनफ्लावर वाज द फर्स्ट वन टू नो क्वालिफाई फॉर द 2025 ऑस्कर। ठीक है, ऑस्कर 2025 ऑस्कर अवार्ड की कौन सी कैटेगरी में कनाडा फिल्म जो है जिसका नाम है सनफ्लावर द फर्स्ट वन टू नो किस कैटेगरी में ये क्वालिफाई करी है, भाई बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिल्म इंडस्ट्री का। तो इसका जो आंसर है दैट इज लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। क्या है? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में एड हुई है ये फिल्म। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो थर्ड डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज आशीष खन्ना। क्या आंसर है? आशीष खन्ना। ओके, उसके बाद अगले जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए इन विच ऑस्ट्रेलियन कंट्री डिड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड अ न्यू इंडियन कंसुलेट। कंसुलेट का मतलब होता है राजदूत, मतलब वो जो घर होता है ना फॉर, मतलब जो एम्बेसडर्स हमारे बाकी डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं तो वहां पे उनका जो घर वगैरह होता है उसको बोलते हैं कंसुलेट। ठीक है, जिसे दूत निवास भी बोला जाता है। तो कौन से ऑस्ट्रेलियन कंट्री में भाई इनॉग्रेट करा है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ब्रिस्बेन। किसमें? ब्रिस्बेन में। ओके, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए इन विच इंडियन सिटी डिड द फिफ्थ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है विनबैक्स बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम बिगिन। कहना मतलब ये कि कौन सी इंडिया की सिटी में फिफ्थ ज्वाइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है विनबैक्स इंडिया वियतनाम के बीच में स्टार्ट हुई है, तो इसका जो आंसर है दैट इज अंबाला। कहां पे हुई है? अंबाला में। ओके, डन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु वॉन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल। किन्होंने जीता भाई वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल, तो इसका जो आंसर है दैट इज मनदीप जांगरा। क्या आंसर है? मनदीप जांगरा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कंट्री रिसेंटली एक्सटेंडेड वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिस्ट इनडेफिनेटली। कहने का मतलब ये कि कौन सी कंट्री ने भाई अपनी अपने देश में इंडियंस के लिए, इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है, तो इसका जो आंसर है दैट इज थाईलैंड। कहाँ पे करी है? थाईलैंड में। ओके, डन।
चलिए, ये थे आप लोगों के करंट अफेयर क्वेश्चंस, और आप लोगों के साथ एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। वेल, आप लोग हमारी किताब के बारे में जानते होंगे और मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि एक ऐसी किताब है जो आपके जेके एसएसबी की जर्नी को ईजी कर देगा। अब ईजी कैसे कर देगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, पेपर्स दिए हैं, वहाँ से आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस का लेवल जो है वो रहता है और किस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमने पढ़ने हैं। तो इसलिए ही ये बुक जो है वो बनाई गई है, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हो, आपके पास ये बुक एज अ रोड मैप होनी चाहिए। ओके, और अभी के लिए आपको बता दूं कि सिर्फ हमारे पास भी 2025 बुक्स अप्रॉक्स इतनी ही बुक्स जो हैं वो बची हैं। और अगर आप लोगों ने इस बुक को देखा है एंड यू वांट टू बाय इट नाउ, तो आप लोग इसे ख़त्म होने से पहले ही बाय कर सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद ये अवेलेबल नहीं होगी। बाय करने के लिए आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना बुक। जैसे आप बुक लिखोगे आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने करंट अफेयर करवाया, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिखने की क्वेश्चन जरूरत नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।